हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये राधा रानी की प्यारी सी ये लहंगा बनाना आपको बताएंगे। और देखिए कितना घेरदार बन के तैयार हुआ है। ये पूरा पीछे बैक में ये पूरा कवर हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए आज हम राधा रानी का लहंगा बना रहे हैं, उसके लिए मैंने 22 चेन बना ली है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लहंगा स्टार्ट करिएगा। तो मैं हमेशा बताती हूँ, पहले आप राउंड अपना देख लीजिए राधा रानी के कैसे आता है। अगर इतना आता है, परफेक्ट है, तो उस हिसाब से पहले इंची टेप से नाप लीजिए, जितना आ रहा है उतनी हमें चेन लेनी है, उतनी इंच की, ठीक है। तो फिर आप देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे तो हम वन चेन लेंगे। वन चेन लेने के बाद यहीं पे हम पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम सबसे पहले डबल क्रोशिया करेंगे, तो वन वन टाइम हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। तो हम ऐसे वन वन टाइम डबल क्रोशिया कर लेते पहले। ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए मैंने वन राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हम बैक ऐसे जाएंगे और बैक जाने के बाद अब देखिए हम वन टू टू चेन लेंगे और ऐसे करके हमें पहले फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हम हाफ टाइम फ्रंट पोस्ट पर आएंगे, फिर एक वन टाइम हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो हमें ये वन टाइम हाफ पोस्ट बनाना है हाफ पर, फिर ऐसे करके फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर हाफ पोस्ट बनाना है, फिर बैक पोस्ट बनाना है। तो पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बना के हम ये बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे करके ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो एक बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे। लूप लेंगे, लूप लेके हमें बैक से ऐसे हुक निकालना है, इसे हम बैक पोस्ट कहते हैं। और बैक पोस्ट हाफ टाइम, ठीक है। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हाफ टाइम, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऐसे करके वन चेन लेंगे, टू चेन। अब टू चेन लेने के बाद हमें हाफ क्रोशिया टू टू टाइम हर चेन में बनानी है। जैसे ही मेरा घेर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे करके टू टू टाइम हर चेन में हम जा करके डबल हाफ क्रोशिया बना लेंगे। अभी देखिए मैंने हाफ क्रोशिया बनाई है। अब थ्री चेन लेने के बाद पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया बनानी है वन टाइम, यहाँ हम टू टाइम बनाएंगे, टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर वन टाइम डबल क्रोशिया, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमें एक बार वन टाइम डबल क्रोशिया बनानी है और एक टाइम हमें टू टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमने ऐसे करके डबल क्रोशिया पूरी बनानी। अब अपने वर्क को टर्न करने के बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हम 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमें 2 लूप लेना है, ठीक है। और 2 लूप लेकर के हमें थर्ड फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। तो हम 1 टाइम 2 टाइम 2 लूप लिया, 2 लूप लेके ऐसे फ्रंट में आना है, हुक को रखना है। 1 टाइम निकालेंगे, 2 टाइम निकालेंगे, 3 टाइम निकालेंगे। और 3 टाइम निकालने के बाद अब इसके देखिए बैक आएंगे और बैक में हमें जहाँ मैंने स्किप किया है वहाँ जाना है, डबल क्रोशिया बनानी है 1 टाइम, फिर मिड में बनाना है 2 टाइम और फिर एक और बनाना है 3 टाइम। 3 टाइम बनाने के बाद अब फिर से हम 2 लूप लेंगे और फिर ये जो फ्रंट पोस्ट बनाया था, ये देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया था, यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे करके फ्रंट पोस्ट ट्रिपल बार निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल क्रोशिया हमें करनी है और ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद अब देखिए फिर 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में फिर से हम 2 लूप लेंगे और 2 लूप लेने के बाद फिर से यहाँ पे हमें हुक ऐसे डालना है, ठीक है। और ऐसे डालने के बाद हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है फ्रंट पोस्ट, ठीक है। ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हम बैक में जाएंगे जहाँ मैंने स्किप किया है वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम 2 टाइम डबल क्रोशिया और 3 टाइम डबल क्रोशिया। 3 टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद अब देखिए फिर से हम ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो लूप लेंगे 2 टाइम और 2 टाइम लूप लेने के बाद ऐसे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो 1 टाइम निकालेंगे, 2 टाइम निकालेंगे और 3 टाइम निकालेंगे। तो ये इस तरह से देखिए डिज़ाइन आएगी। फिर हम देखिए 2 लूप लेंगे और 2 लूप लेने के बाद 1 स्किप करना है, 1 स्किप करना है, 2 स्किप करना है, थर्ड वाले में हमें ऐसे करके ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए फिर से हम बैक में, ये देखिए बैक जाएंगे, बैक से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। लूप लेंगे, डबल क्रोशिया 1 टाइम, फिर डबल क्रोशिया 2 टाइम, फिर डबल क्रोशिया 3 टाइम। 3 टाइम बना लिया और 3 टाइम बनाने के बाद फिर 2 लूप लेंगे और इसी में हमें जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसी में हमें ट्रिपल टाइम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। फिर देखिए हम लूप लेंगे 2 टाइम, 1 स्किप करना है, 1 स्किप करना है, 2 स्किप करना है, थर्ड वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और फिर बैक जा करके हमें, ये देखिए ये जो हमने इसके ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसके बैक में जस्ट बगल में जाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया और 3 टाइम डबल क्रोशिया। और 3 टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद अब फिर से 2 टाइम लूप लेंगे और हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया का। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, 2 टाइम लूप लेंगे, 2 टाइम लूप लेंगे, 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर हम बैक से जो मैंने स्किप किया है वहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया 1 टाइम, फिर डबल क्रोशिया 2 टाइम, फिर डबल क्रोशिया 3 टाइम। 3 टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद 2 लूप लेंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे 1 टाइम
टू टाइम एंड थ्री टाइम। तो ऐसे करके हम वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं। अब हम देखिए 1, 2 और 3 थर्ड वाले में हम जाएंगे डबल क्रोशिया में और हम ऐसे फ्रंट पोस्ट हमें बनाना है ट्रिपल बार। तो हमने 2 लूप लिया है हुक में और इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम बैक में जो हमने स्किप किया है तो 1 टाइम हम ऐसे डबल क्रोशिया बैक से लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 2 टाइम डबल क्रोशिया जो मिड में रहेगी और फिर एक और डबल क्रोशिया, तो ये मेरी 3 टाइम डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए फिर 2 लूप लिया है तो जो मैंने फ्रंट पोस्ट में करा था उसी डबल क्रोशिया में जाके हमें फिर से उसी में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हमें जो हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं तो एक ही जो डबल क्रोशिया है उसी। तो देखिए हमने ये बैक ऐसे जाएंगे और बैक जाने के बाद 3 चेन लेना है हमें और 3 चेन लेने के बाद 2 लूप लेंगे और 2 लूप लेने के बाद जो मिड वाला मेरा था ये देखिए मिड में जो हमने बनाया था तो यहाँ में तो हम यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे क्योंकि हम बैक से ये फ्रंट से ये मेरा फ्रंट पोस्ट होगा तो हम इसको बैक पोस्ट करेंगे 3rd टाइम। 3 टाइम हमें बैक पोस्ट करना है और बैक पोस्ट करने के बाद अब देखिए ये बैक पोस्ट कर लिया और इसके बगल में आएंगे यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाएंगे फिर डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाएंगे फिर डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाएंगे और 3 टाइम बनाने के बाद अब देखिए फिर से 2 लूप लेंगे ठीक है। और 2 लूप लेने के बाद हमने ये 2 लूप ले लिया। 2 लूप लेने के बाद अब देखिए फिर से हम ये मिड वाले में आना है और मिड में हम ऐसे करके हुक को बैक से लेना है और बैक से लूप लेके हम ये ऐसे करके निकाल लेंगे। अब 3rd स्टिच बना लेंगे और 3rd स्टिच बनाने के बाद अब 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अब फिर से हमें यहाँ मिड में आना है। तो देखिए ये मिड था मेरा 1, 2, 3 थर्ड वाला जो ये डबल क्रोशिया है ये देखिए 3rd वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें आना है। तो हम ऐसे करके हमें 2 लूप लेंगे। 2 लूप लेने के बाद हम यहाँ पे मिड में इसको ऐसे करके बैक पोस्ट 3rd स्टिच बना लेंगे फिर लूप लेंगे। लूप लेके यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया 1 टाइम फिर डबल क्रोशिया 2 टाइम फिर डबल क्रोशिया 3 टाइम और 3 टाइम बनाने के बाद फिर से 2 लूप लेंगे और जो मिड वाला है मिड में आएंगे और मिड से हम इसको बैक पोस्ट हमें लेना है। तो लूप लेंगे और लूप लेके ये 2 लूप लिया। 2 लूप लेने के बाद बैक पोस्ट से हमें ये लूप लेना है। लूप लेके हमें ये ऐसे निकालना है और यहाँ पे हमें 3rd स्टिच बना लेनी है। तो देखिए ऐसे बैक में तो ये मेरा बैक बन रहा है लेकिन फ्रंट में इस तरह से ये आएगा ठीक है। ये इस तरह से मेरे डिज़ाइन जो है उसी के ऊपर बनेगा। फिर हम चेन लेंगे 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद फिर मिड में ये देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया जो बनाई थी उसके मिड को लेना है। तो हम 2 लूप लेके मिड से ऐसे हुक को बैक से डालना है और बैक से ये निकालने के बाद फ्रंट बैक पोस्ट हमें बनाना है। बैक में ये मेरा बैक पोस्ट रहेगा और फ्रंट में ये फ्रंट पोस्ट रहेगा ठीक है। और यहाँ पे अब जो 1st वाली डबल क्रोशिया है वहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशिया 2 टाइम डबल क्रोशिया 3 टाइम डबल क्रोशिया और 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप लेंगे ऐसे 2 टाइम और फिर हम बैक पोस्ट वाले स्टिच में जाएंगे और यहाँ से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए हम 1 लूप लिया 2 लूप लिया बैक पोस्ट से ऐसे लूप लिया और लूप लेने के बाद अब ये देखिए हम यहाँ पे 1 टाइम फ्रंट पोस्ट 2 टाइम फ्रंट पोस्ट और ये ऐसे बन गया ठीक है। और फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर मिड में आएंगे और मिड से हमें बैक से ऐसे हुक को बैक से डाल के यूं निकालना है और लूप लेना है यूं करके
यूं करके हम लूप लेंगे हुक से, तो हम पहले टू लूप लेंगे। टू लूप लेने के बाद मिड वाले से हमें ऐसे करके निकालना है और यहाँ पे अब हमें बैक पोस्ट बनाना है और फिर फ्रंट फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें थ्री टाइम बनाना है, तो थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे और थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से टू लूप लेंगे और टू लूप लेने के बाद फिर से ऐसे हुक को पीछे से बैक से डालना है और फिर इधर से निकालना है, लूप लेना है और लूप लेने के बाद ये ऐसे हम निकाल लेंगे और यहाँ पे अब हम बैक पोस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ही बनेगा और ऐसे ही हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फ्रंट में ये मेरा फ्रंट पोस्ट बनेगा और बैक में ये बैक पोस्ट बनेगा। तो मेरी कुछ डिजाइन इस तरह से आएगी, ऐसे हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। बैक से बैक पोस्ट बनेगा, फ्रंट से फ्रंट पोस्ट बनेगा। लूप लेकर के ऐसे बैक से हुक को हमें बैक पोस्ट बनाना है, तो हम ऐसे करके यहाँ पे पहले बैक पोस्ट बना लेंगे ट्रिपल बार, फिर लूप लेके हमें डबल क्रोशिया थ्री टाइम बनाना है। ठीक है, तो वन टाइम हम फ्रंट में देखिए जो हमने थ्री क्रोशिया है, इसी में थ्री क्रोशिया बनानी है, हमें थ्री क्रोशिया डबल क्रोशिया बनानी है। वन टाइम डबल क्रोशिया, फिर मिड वाले में टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में थ्री टाइम डबल क्रोशिया। थ्री टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद अब टू लूप लिया हमने और टू लूप लेने के बाद हम मिड में ऐसे फिर से हुक को डालेंगे और बैक से हमें लूप निकालना है बैक से, और बैक पोस्ट हमें थर्ड टाइम बनाना है। ठीक है, ट्रिपल बार थर्ड पोस्ट बनाना है, फिर हम यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम अपने वर्क को अब टर्न करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा घेर आ रहा है लहंगा जी लहंगा राधा रानी का। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। अब देखिए फिर से हम वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद अब ये जो मिड है, मिड में हमें टू लूप लेकर के मिड में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है पहले। ठीक है, तो हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब ये देखिए हमें डबल क्रोशिया थ्री में थ्री बार बनाना है। तो ये हम वन टाइम, फिर मिड में टू टाइम और फिर थ्री टाइम। थ्री टाइम बनाने के बाद अब ये देखिए फिर से हम टू टाइम लूप लेंगे और टू टाइम लूप लेने के बाद जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसी में हम जाएंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल टाइम बना लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ही डिजाइन आ रही है। और फिर हम वन चेन लेंगे, तो वन चेन लेने के बाद ये देखिए वन चेन लिया, वन चेन लेने के बाद फिर हम मिड में जाएंगे तो हम टू लूप लेंगे और टू लूप लेने के बाद मिड में हमें पहले डबल क्रोशिया बनानी है, फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो वन टाइम फ्रंट पोस्ट, टू टाइम ट्रिपल बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम फिर से ये फ्रंट पोस्ट में आना है, तो लूप लेंगे टू टाइम और हम ऐसे करके लूप निकालेंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल टाइम बना लेंगे। फिर वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद फिर से हम मिड में आएंगे। देखिए वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया है इसमें, मिड में हमें टू लूप लेकर के यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट टाइम बनाना, फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो फ्रंट पोस्ट ऐसे ट्रिपल टाइम बना लेंगे और फिर हम ये बैक से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद टू लूप लेंगे और टू लूप लेने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट फिर से बना लेंगे मिड वाले से। ठीक है, तो मिड वाले से हमें फिर से फ्रंट पोस्ट उठाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिजाइन आई। फिर हम वन चेन लेंगे,
वन चेन लेने के बाद फिर हम मिड में लेंगे, 1 2 3 है तो 2 लूप लेने के बाद फ्रंट पोस्ट हमें ट्रिपल बार बनाना है। ट्रिपल बार फ्रंट पोस्ट बनाया, फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद बैक से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है उसी के ऊपर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनेगी। फिर 2 लूप लेंगे और 2 लूप लेने के बाद फिर मिड में जाना है और मिड में जाने के बाद हम यहाँ पे फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ही डिजाइन आएगी और ऐसे हमें वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने ये ऐसे करके घेर कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम वर्क के एंड पे हैं, ठीक है, और वर्क के एंड पे हम इसको हमें डबल क्रोशिया यली बना लेनी है। फिर वर्क हम ऐसे सीधा करेंगे, हम यहाँ पे मिड आएंगे, ठीक है, तो हम ऐसे करके डबल क्रोशिया मिड में बनाना है, 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 लेने के बाद इसमें हम पर्ल बना देंगे, फिर इसी में डबल क्रोशिया 2 टाइम, 1 2 3 3 लेने के बाद हम इसमें पर्ल बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 एंड 3 फिर इसमें हम पर्ल बना देंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3 3 बनाने के बाद इसमें हम पर्ल बना देंगे। फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3 फिर यहाँ पे ऐसे ले जाके हमें यहाँ पे पर्ल बना लेना है। और पर्ल बनाने के बाद अब यहाँ ये जो हमने चेन बनाई थी यहाँ जाके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब हम फिर से यहाँ मिड में आएंगे और मिड में सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 एंड 3 3 लेने के बाद यहाँ पे ऐसे पर्ल बनाना है, फिर डबल क्रोशिया बनानी है, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 एंड 3 3 लेने के बाद यहाँ पे हम पर्ल बना देंगे, फिर डबल क्रोशिया 1 टाइम, 1 2 एंड 3 फिर यहाँ पे हम पर्ल बना देंगे, फिर डबल क्रोशिया। तो ये मेरी 4 टाइम हुई, हमें 5 5 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे पर्ल बनाएंगे और पर्ल बनाने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 एंड 3 3 चेन लेने के बाद हम ऐसे करके निकालेंगे और यहाँ पर्ल बना देंगे। अब पर्ल बनाने के बाद यहाँ मिड में आना है और यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन आ रही है। फिर हम लूप लेंगे, लूप लेके मिड में जाना है और यहाँ पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 एंड 3 3 चेन लेके यहाँ पे हमें पर्ल बनाना है और पर्ल बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पे आना है, डबल क्रोशिया बनानी है और 1 2 एंड 3 3 लेने के बाद यहाँ पे हम पर्ल बनाएंगे। तो देखिए फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है, तो पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 एंड 3 3 लेने के बाद यहाँ पे हम पर्ल बनाएंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 एंड 3
थ्री लेने के बाद फिर यहाँ पे हमें चेन लेके पर्ल बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2 एंड 3, 3 लेने के बाद यहीं पे हम पर्ल बना देंगे। और पर्ल बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो हमें ये ऐसे ही पूरा राउंड में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो हम ये जैसे ये मैंने किया है तो हमें मिड में आना है, और मिड में वाले में हमें डबल क्रोशिया 5 टाइम करना है, और ऊपर हमें पर्ल बनाना है, फिर मिड में जाके यहाँ ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद तो ये देखिए हमें यहाँ पे आना है। थ्री चेन ले, यहाँ पे पहले हम बनाएंगे साइड में। तो यहाँ पे पहले चेन लेकर के हमें यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद 1, 2, 3, 4 लेने के बाद यहाँ पे एक बार और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। 4 लेने के बाद ये फ्लावर के बीच में मिड में आना है, और यहाँ फिर से हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में आएंगे और यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4। अब फिर देखिए ये फ्लावर के बीच में हमें आना है, और यहाँ पे हम बनाएंगे पहले फिर 1, 2, 3, 4। 4 लेने के बाद ये फ्लावर है, फ्लावर के मिड में आके हमें फर्स्ट वाले क्रोशिया के बैक में हमें यहाँ डालना है, और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ऐसे करके हमें राउंड कंप्लीट करना है। हमें एक बार यहाँ आना है फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में, फिर मिड में बनाना है। मिड बनाने के बाद फिर इन फ्लावर के, ये जो फ्लावर मैंने ये बनाए हैं डिज़ाइन, इसके मिड में हमें एक चेन बनानी है, फिर मिड में बनाना है फ्लावर के, फिर दोनों फ्लावर के मिड में बनाना है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। और कट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये नॉट लग गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये मेरा घेर आया है। अब ये देखिए मैंने ये पिंक कलर लिया है, और इससे अब हम बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे पहले हम यहाँ पे आएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे पहले हम मिड में आना है हमें, और मिड में आने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है। तो हम पहले यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 2 टाइम हमें लूप में लेना है, और यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बनाने के बाद 1, 2 एंड 3, 3 लेकर के यहाँ पे हम पर्ल बना लेंगे। ठीक है, तो फिर से देखिए हम यहाँ पे हमें ये 1 टाइम, 1, 2 एंड 3, 3 बनाने के बाद यहाँ पे हमें पर्ल बनाना है, और पर्ल बनाने के बाद फिर से देखिए हम 2 टाइम लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें, और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2 एंड 3, 3 लेने के बाद यहाँ पे हम इसको पर्ल बना देंगे, फिर 1 डबल लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 1
टू एंड थ्री, थ्री बनाने के बाद वन टू एंड थ्री, थ्री करने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट में ऐसे जाएंगे और यहाँ पर्ल बना लेंगे। तो वन टू थ्री फोर, हम फर्स्ट वाले राउंड में हमने यहाँ पे फाइव टाइम किया है, तो हम यहाँ पे वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, थ्री टाइम चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें पर्ल बना लेना है। फिर टू लूप लेंगे और टू लूप लेने के बाद फिर हम यहाँ पे पर्ल बना लेंगे। पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद यहाँ पे हमें पर्ल बना लेना है। तो मेरी ये सिक्स हुई, फिर लूप लेंगे, लूप लेके यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद यहाँ पे हम पर्ल बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये जो बैक में है यहाँ चेन में ले जाके इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो कुछ देखिए इस तरह से ये आया मेरा, फिर हम लूप लेंगे, टू लूप ले करके फिर मिड में आना है और यहाँ पे फिर से हम ट्रिपल टाइम सेवन टाइम ट्रिपल क्रोशिया करके पर्ल बनाना है। वन टाइम फिर पर्ल बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर टू लूप लेंगे, टू लूप लेके यहाँ पे हम पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेंगे, थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इसको पर्ल बना देंगे। फिर टू लूप लेंगे, टू लूप लेने के बाद हम पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें लूप लेके यहाँ पे पर्ल बना लेना है। फिर टू लूप लेंगे, टू लूप लेने के बाद पहले हम यहाँ पे ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, थ्री चेन लेंगे, थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें पर्ल बना लेना है। तो ये फोर्थ टाइम हुआ। फिर टू लूप लेंगे, टू लूप लेने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मेरा फाइव टाइम हो रहा है, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेके यहाँ पे हमें पर्ल बना लेना है। टू लूप लेंगे, टू लूप लेने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेके यहाँ पे हम पर्ल बना लेंगे। तो ये मेरी सिक्स टाइम हो गया। अब फिर टू लूप लेंगे और टू लूप लेने के बाद वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लिया, थ्री चेन लेने के बाद ऐसे पर्ल बनाया और पर्ल बनाने के बाद ये जो जस्ट उसके बगल वाली चेन है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये मेरी आएगी। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हम फिर से अब हमें टू लूप लेकर के ट्रिपल क्रोशिया मिड में बनाना है, ठीक है। तो ये जो हमारी ये जो वाइट वाली है इसी के ऊपर हमें ये पिंक वाला ऐड करना है और ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरा हमें ऐसे करके राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ही मेरा लहंगा राधा रानी का तैयार हो गया है और इसमें मैंने देखिए किनारे पे यहाँ पे पर्ल लगा दिए हैं और ये छोटे पर्ल लगाए हैं और ये मैंने टू फ्लावर बनाए हैं और इसका वीडियो मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये फ्लावर कैसे बनेंगे और इसी को मैंने डोरी से अटैच किया है। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये राधा रानी की स्कर्ट कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा और आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बढ़ाता है
और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, से न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।